प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए केंद्र भूजल बोर्ड अब वैज्ञानिक व आधुनिक तरीकों को अपनाएगा। हिमाचल में पानी के पुराने चश्मों को पुनर्जीवित करने को युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। वर्तमान में देश को दो राज्यों नागालैंड और सिक्किम में इस प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है और इस प्रोजेक्ट में बोर्ड ने सफलता हासिल भी कर पाई है। अब प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर कार्य हिमाचल में भी किया जाएगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की ओर से आज धर्मशाला के निजी होटल में देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बसंत शेड विकास के माध्यम से जल सुरक्षा के लिए कायाकल्प पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय भूजल बोर्ड जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके प्रथम चरण में प्राकृतिक जल स्रोतों की रिपोर्ट तैयार करने व स्रोतों के जल संरक्षण के लिए नई तकनीक व तौर तरीके भी बताए गए। कार्यशाला में इस प्रोजेक्ट पर सफल रहे 13 लोगों ने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए। इस प्रोजेक्ट पर विशेषज्ञ चेकडाम विधि व प्राकृतिक स्रोत के आसपास घास लगाकर पेयजल के बहाव में बढ़ोतरी करने पर भी चर्चा की गई। प्रदेश भर से जल क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस कार्यशाला में मौजूद रहे। इस कार्यशाला में देश भर के जल क्षेत्र का काम करने वाले विभिन्न संगठनों के 200 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर यूपी सिंह ने कहा कि इस कार्यशाला का लाभ भविष्य में नई नीति बनाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। जैसे कि आपको सबको पता ही है कि देश ही नहीं पूरा विश्व जो है वो जल के संकट से जूझ रहा है, और जैसा आप जानते ही हैं कि जो हमारे देश में जो हिली स्टेट्स हैं, जिसमें हिमालय भी आता है, या जम्मू एंड कश्मीर है, या उत्तराखंड है, या बहुत सिक्किम है, नागालैंड है, या बहुत सारे ऐसे भी जैसे इवन महाराष्ट्र है, बाकी उसके कई हिस्से जो हैं वो पहाड़ी हिस्से हैं, और पहाड़ी हिस्सों में पानी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो होता है स्प्रिंग, जिसको हम चश्मा भी बोलते हैं, तो स्प्रिंग होता है। अब हो क्या रहा है कि बहुत दिनों से बहुत सारे कारणों के चलते ये जो स्प्रिंग्स हैं या तो ये सूख जा रहे हैं। नीति आयोग ने कुछ दिन पहले एक स्टडी की थी जिसमें निकला था कि आधे से ज़्यादा स्प्रिंग जो हैं वो सूख गए हैं, या बहुत सारे स्प्रिंग ऐसे हैं जो कि पहले जो थे वो पेरेनियल थे, पूरे साल उसमें से पानी आता था, वो सीजनल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इस पर बहुत सारे करीब 20% लोगों के इवन पीने का पानी का स्रोत यही होता है। तो आज के वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य ये है, इसमें करीब 15 राज्यों से प्रतिभागी हैं, करीब 200 के आसपास लोग आए हैं, तो इसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि स्प्रिंग रिजुविनेशन जिसको हम बोलते हैं कि चश्मे फिर से कैसे सूखे ना, या जो पेरेनियल थे पहले और बीच में सीजनल हो गए हैं वो फिर से कैसे पेरेनियल हों, तो एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने विचार रखेंगे। कई सारे राज्यों ने अच्छा काम किया है, जैसे सिक्किम छोटा राज्य है लेकिन उन्होंने स्प्रिंग रिजुविनेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया। इसी तरह से कई सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई इंडिविजुअल्स हैं, इन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो आज वर्कशॉप में उन सब पे चर्चा होगी, और इसके उपरांत हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि इसके स्प्रिंग रिजुविनेशन के ऊपर एक पॉलिसी बनाई जाए, नेशनल लेवल एक पॉलिसी बने, और नेशनल लेवल का कोई प्रोग्राम अभी जो है वो हमारी मिनिस्ट्री जो वाटर रिसोर्सेज है उसके अंदर भी कोई प्रोग्राम जो है वो स्प्रिंग सेट डेवलपमेंट या स्प्रिंग रिजुविनेशन के लिए नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे, फिर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कितने टोटल स्प्रिंग्स कंट्री में हैं, उनकी स्थिति क्या है, जैसे उसका एक एटलस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे ख्याल से ये वर्कशॉप जो है इसका जो इनपुट है वो हमारे लिए जो हम अगली पॉलिसी बनाएंगे या जो अगला हम कार्यक्रम स्प्रिंग रेजुनेशन के लिए लेंगे उसके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। सर, जैसे कोई स्टेट कोई इसमें अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी कोई केंद्र सरकार का कोई है? नहीं, वो हम बिल्कुल करेंगे। इनफैक्ट अभी हाल में हम एक कैटेगरी बनाएंगे, अभी हाल में जैसे पिछले महीने ही हमने हमारे ख्याल से 25 फरवरी को हमने एक नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पे हमने एक राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए थे, उसमें काफ़ी कैटेगरीज थी, उसमें रिजुविनेशन ऑफ रिवर एक कैटेगरी थी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि अगली बार जब हम करेंगे तो रिजुविनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की भी एक कैटेगरी डालेंगे। जैसे हमने कई कैटेगरी में हमने राज्यों को सम्मानित किया, हमने कई सारे जिलों को सम्मानित किया, हमने उस तरह से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इवन टीवी प्रिंट मीडिया जो है उनको भी हमने सम्मानित किया था। तो आपका कहना सही है, हम एक कैटेगरी बनाएंगे जिसमें जो लोग स्प्रिंग रिजुविनेशन पे अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो राज्य अच्छा काम कर रहे हो या कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहे हो, कोई
व्यक्ति विशेष अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी हम पुरस्कृत करना चाहेंगे और सो दैट वो आगे जो है वो और नए उत्साह से काम करें। थैंक यू वेरी मच।